हमारे देहातों में एक रस्म चलती है, रस्म बिखाला, शायद आपके शहर में ना हो और उसकी कोई और सूरत यहाँ पाई जा रही हो। वो ये होता है कि जब बेटी की शादी करते हैं तो उसको जो जहेज देना होता है वो चार पाइयों के ऊपर बिछा देते हैं और एक खातून को कहते हैं जाओ पूरे मोहल्ले की खवातीन को बताओ कि हमारी बेटी का जहेज देख जाए, और फिर मोहल्ले की सारी खवातीन आती हैं और वो देखती हैं। अच्छा, दिया तो अपनी बेटी को है, मोहल्ले की खवातीन को हम दिखा रहे हैं सिर्फ दाद वसूल करने के लिए। कल चौपालों में तस्करे हों कि वाह वाह सेठ साहब ने, चौधरी साहब ने, खान साहब ने, मलिक साहब ने कमाल कर दी। तंदूर पे बातें हों कि वाह वाह कमाल कर दी, फलां खातून ने तो हद कर दी, तुमने दाद वसूल कर ली, लोगों ने भी वाह वाह कह लिया, लेकिन तुमने ये ना सोचा कि तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए ये तीन बच्चियां भी आई। उस मजदूर की बेटी भी आई जो बुढ़ापे के बावजूद कली वाला डब्बा उठा के मजदूरों वाले अड्डे पे बैठ जाता है और उसको बुरा समझ के कोई कबूल नहीं करता, और जूं जूं धूप चमकती जाती है और दिन चढ़ता जाता है तो उसका दिल डोल रहा होता है, वो आने वालों से चिमट के कहता है मुझे 20 रुपए 50 रुपए कम दे देना, मुझे ले जाओ, लेकिन उसे कमजोर समझ के कोई साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो फिर जब वो हाथ में डब्बा उठाए वापस जाता है तो कोई जानता है उसके कदम कितने बोझल होते। घर की दहलीज उबूर करना पुरसरात उबूर करने के मुतादफ होता है उसके लिए, और उसकी बेटियां जो घर में दहलीज पे बूढ़ी हो रही हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए कबूल नहीं किया जा रहा कि वो गरीब की बेटियां हैं, जब अपने बाप को खाली आज भी मजदूरी के बगैर आता हुआ देखती हैं तो कोई उनके अंदर की घुटन और बेचैनी का अंदाजा कर सकता है? कोई पैमाना है आपके पास जो उसके दर्द को नाप सके? तुम्हारी बेटी का जहेज उस मजदूर की बेटियां भी देखने आई, तुमने तो दाद वसूल कर ली, लेकिन जो जख्म उनके कलेजे पे लगे उसका मदावा किसके पास है? तो मेरे हुजूर तो किस कदर नजाकते कल्बिया का लिहाज रखने की तलकीन करते हैं कि अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को भी तकलीफ ना दो। सैयद सलीम गैलानी ने लिखा था कि अमीर आदमी आसाइश ना छोड़े, नमाइश छोड़ दे तो गरीबों की जान सौखी हो सकती है, लेकिन हम अपना तर्ज अमल बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज जो इलीट क्लास का तर्ज जिंदगी है उसने गरीबों की जिंदगी को और औखा कर दिया है। मेरे हुजूर को मेरे रब ने इख्तियार दिया कि अगर आप चाहें तो ये बता मक्का सोने और चांदी का बन जाए, लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं कि मैं जो है वो फकर की जिंदगी को इख्तियार करता हूं। आज गरीब हुजूर को देख करके एक तस्कीन पा जाता है, और अगर हुजूर की सीरत का ये उनवान हमारे सामने ना होता तो फिर बताइए आज गरीब के लिए जाय अमान कहाँ होती। मेरे हुजूर ने गरीब के दुख मिटाने के लिए एक जुमला इरशाद किया, सुनिए जरा क्या हिकमत वाले नबी हैं। फरमाया कि जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज्क पे राजी हो गया, कि मेरे बंदे तुझे जरूरत थी तू फिर भी मेरे पे राजी हो गया, तुझे बच्चों के लिए फीस चाहिए थी, तुझे सर छुपाने के लिए मकान चाहिए था, तुझे तीन वक्त का खाना चाहिए था, तुझे बीमार बच्चों के लिए दवा चाहिए थी, लेकिन तू फिर भी राजी हो गया कि मेरे मालिक ने मुझे जिस हालत में रखा है मैं वाह वाह खुश हूं। तो जो अल्लाह के दिए थोड़े रिस्क पे राजी हो गया, उसको तो जरूरत थी फिर भी राजी हो गया, बंदे मुझे तो तेरे अमलों की जरूरत भी नहीं है तो मैं तेरे थोड़े अमलों पर राजी हो जाऊंगा। और दूसरा पहलू क्या, जो अल्लाह के दिए ज्यादा रिस्क पे भी राजी नहीं हुआ, हर वक्त नाशुक्री नाशुक्री नाशुक्री, तो फिर वो देखे कि कयामत के दिन उसको कितने सख्त हिसाब से गुजरना होगा। वो लोग जिनके यहां आखिरत का तसव्वुर नहीं है, वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं, वो तो आंखें बंद होगी तो पता चलेगा आखिरत थी या नहीं, लेकिन जिनका आखिरत का तसव्वुर मौजूद है उनको ये ज़ेबा नहीं है कि अपनी आखिरत बारे में कुछ ना सोचे। तो अल्लाह मुझे आपको हुजूर की सीरत के सांचे में जिंदगियां ढाल देने की तौफीक अता करे और हुजूर का प्यार हमारी रूहों में उतार दे, उनके बताए हुए तरीके हम इख्तियार करें, हम इस्लाम की एक खूबसूरत शनाख्त बन सकें और दुनिया के जिस कोने में जाएं हमारा किरदार हमारा रवैया बताए कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के आशिक हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।